नागपुर शहर में जब से कोरोना ने दस्तक दी है तब से लेकर अब तक कई निजी अस्पताल अवैध तरीके से पेशेंट से कोरोना इलाज के नाम पर जमकर उगाही कर रहे हैं, जिसकी शिकायत मनपा आयुक्त से मुलाकात कर शहर के नागपुर सिटीजन फोरम की ओर से की गई है। इस मौके पर मनपा आयुक्त ने उचित कार्रवाई करने की आश्वासन दिया है। नागपुर में जब से कोरोना महामारी ने दस्तक दी है तब से लेकर अब तक कई कामकाज ठप पड़े हैं, कई व्यापार घाटे में चल रहे हैं, कई लोग कोरोना इलाज के लिए ब्याज से पैसा लेकर या जमा पूंजी कोरोना के इलाज करने में खर्च कर रहे हैं। भले ही कोरोना से किसी का व्यापार चले न चले, लेकिन शहर के अधिकांश निजी अस्पताल कोरोना इलाज के नाम पर पेशेंट से बहुत ज्यादा अवैध तरीके से पैसों की उगाही कर चांदी कर रहे हैं। डॉक्टर को धरती पर भगवान का दूसरा रूप माना जाता है, लेकिन शहर के डॉक्टर आए दिन पेशेंट को भगवान कम और कसाई के रूप में ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। फिर चाहे इलाज का मामला रमेश साहू का हो या प्रकाश भोयर, ऐसे हजारों कोरोना इलाज के नाम पर शहर के नागरिकों को खुलेआम ढड़ल्ले से बिना किसी रोकथाम के डॉक्टर बहुत ज्यादा पैसे पेशेंट से लूट रहे हैं। लेकिन अफसोस कि जब से पूर्व मनपा आयुक्त तुकाराम मुंडे का तबादला हुआ है तब से लेकर अब तक शहर के कई निजी अस्पताल पेशेंट के परिजनों से पैसों की उगाही कर रहे हैं। तुकाराम मुंडे जब थे तब अस्पताल वाले अवैध उगाही करने के बारे में कई बार सोचते थे और कर नहीं पाते थे, लेकिन अब निजी अस्पताल के प्रबंधकों पर किसी भी प्रशासन का नियंत्रण नहीं है, जिससे शहर के नागरिकों की लूट हो रही है। शहर के नागपुर सिटीजन संस्था के पदाधिकारियों ने मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी से मुलाकात कर अवगत कराया। कोरोना महामारी के इलाज के नाम पर कई शहर के निजी अस्पताल के डॉक्टर मालामाल हुए हैं और नागरिक कटर से लग गया है। क्या आगे भी यही होता रहेगा या नहीं, ये देखना बाकी है। मेरा नाम रमेश साहू है, मेरी मिसेस हेमा साहू, उनका डिलीवरी टाइम था। तो एक्चुअली मैं डागा लेकर गया, डागा में कोविड का टेस्ट वगैरह हुआ, नेगेटिव आया। उसके बाद में उन्होंने बोला है कि आपको मेवा ने तो मेडिकल रिफ़र करना पड़ेगा, हार्ट बीट ज़्यादा तेज़ चल रहा है। तो मैं कोविड की वजह से वहाँ कोरोना पेशेंट ज़्यादा रहते, इसलिए मैंने फुगलिया हॉस्पिटल वर्धमान नगर रामदेव हॉस्पिटल के सामने उनको एडमिट किया। वहाँ पर भी RT-PCR नेगेटिव आया, डागा में भी नेगेटिव आया। फिर वहाँ डिलीवरी होने के बाद में डॉक्टर बोलते हैं कि दूसरे दिन कि इनको तेज़ बुखार आया है, तो सिटी स्कैन करो, खून टेस्ट करो, एक्सरे करो, RT-PCR फिर से डबल करेंगे। मैंने बोला सबके लिए एग्री हो सर, आप कर लो। नहीं मैडम थी एक्चुअली, सॉरी मैडम को बोला तो उन्होंने किए। उसके बाद में बोलते हैं कि RT-PCR आने के पहले ही सिटी स्कैन में ही बोल दिए कि कोविड है, तो कोविड है तो आप एक काम करो बोले, कोविड हॉस्पिटल में एडमिट करो बोले, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन वगैरह ICU में भी शिफ्ट कर सकते हैं, यहाँ ऑक्सीजन ICU नहीं है। तो मैंने वहाँ पर लेकर गया तो वहाँ डिपॉजिट 1,10,000 रुपये पहले जमा करने लगा है सर। फिर उसके बाद में दूसरे दिन RT-PCR नेगेटिव आया, तो मैंने उनको तुरंत घर डिस्चार्ज करवाया। तो उन्होंने बोला कि बिल निकाल दो सर, तो उन्होंने बोला है कि आज शनिवार है, रविवार सोमवार को आप बिल लेके चले जाओ। मैंने वहाँ पर पूछा कि मेरा मेडिकल का बिल कितना है, तो उन्होंने बताया कि 8,000 रुपये। फिर मैं सोमवार को जाता हूँ तो उन्होंने बिल निकाला है 42,390 रुपये का। फिर उसके बाद 15,000 रुपये अपना दवाखाने का खर्चा निकाले, टोटल 57,390 रुपये एक दिन का। मेरी मांग ये है सर कि मैं एक्चुअली पेशेंट के साथ मैं भी था, मेरी मिसेज थी, सीजर पेशेंट थी, तो मैं उनके साथ था। उनको एक स्लाइन, दो मेडिसिन, ऑक्सीजन बस सर, इसके अलावा कुछ नहीं, एक इंजेक्शन लगाए थे। और इतना सारा लंबा चौड़ा बिल दे दिए, बोलते हैं कि आपने इतना ट्रीटमेंट हुआ है पेशेंट का, सर एक दिन में इतना ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है। तब दवाखाने से जो मेरे को दिए, करोड़ हॉस्पिटल से ये बिल दिए है, उसके बाद में 1,00,000 जो डिपॉजिट जमा किया था, उसके बाद में 52,610 रुपये का मेरे को चेक दिए थे वापस, 1,10,000 में से। प्रकाश भोयर, मी 30/8 भवानी हॉस्पिटलमध्ये ॲडमिट झालो होतो, त्याच्यानंतर मला एक दिवसासाठी ऑक्सिजन लागलं, त्यानंतर त्यांनी पैसे लावले आहेत 5 दिवसाचे ऑक्सिजनचे, PV किट 3,000 रुपये पर डे, आणि माझ्याकडे जे मेडिसिन रिटर्न केलं त्याची पण माझ्याकडे पावती आहे, ती कम से कम 15,000 रुपयाचं मेडिसिन आहे, त्यांनी फक्त बिलामध्ये 953 रुपये कमी केले, 1,45,000 रुपये 8 दिवसाचं। हां, डिपॉझिट पण करायला लावले होते, 30,000 रुपये डिपॉझिट केले होते मी 30 तारखेला। तुमची चाचणी केली? चाचणी नाही केली। आणि मला सगळ्यात मोठी गोष्ट म्हणजे माझं डिस्चार्ज झालं त्या दिवशी माझे सिटी स्कॅन केलं भवानी हॉस्पिटल पार्टी। आता माझं म्हणणं आहे का माझ्या जे औषधाचे रिटर्न आहे आणि PV किटचे पैसे वापस मिळाले पाहिजे। आम्ही सर्व नागपूरचे जनतेचे प्रतिनिधी म्हणून नागपूर सिटीजन फोरमद्वारे
मी प्रोफेसर चेडगे झा साहेब वैभवजी शिंदे पाटील साहेब आम्ही सर्वजण आज सन्माननीय राधाकृष्ण बी साहेबांना भेटलो. नागपूरच्या जनते जे कोविड 19 पेशंटचे जे प्रॉब्लेम सुरू आहे 80-20 बेड्समध्ये हॉस्पिटलचं जे गोंधळ कारगार सुरू आहे त्याच्यावरती सक्त कारवाई करण्याची 7 दिवसांमध्ये आश्वासन सन्माननीय आयुक्त साहेबांनी आज आम्हाला दिलेलं. मेडिसिन्सच्या बिलांमध्ये अव्वाच्या सव्वा बिल भरत आहे ते सर्व आम्हाला 1-1 रुपया वापस करून देणाऱ्याचं ग्वाही आम्हाला आयुक्त साहेबांनी आज दिलेली आहे. सन्माननीय आयुक्त साहेबांनी कडक पावलं नाही उचलली तर पुढे आम्ही आंदोलन गांधीगिरी पद्धतीने व्यवस्थित परत करू. साहेबांनी आम्हाला आश्वासन आणखीन दिलेलं पीपीई किट प्रत्येक हॉस्पिटल धर्मदय हॉस्पिटल 3,000 रुपये एका पीपीईचे किटचे घेऊन राहिले नागपूरमध्ये ज्याचा रेट 600 रुपये आणि 1200 रुपये आहे यामध्ये सविस्तर कारवाई करून 1-1 रुपया वापस मिळवून देण्यात येईल. नागपूर सिटिझन फोरमला सगळ्या नागरिकांनी आपापले बिलं पाठवावी 1-1 रुपया वापस करण्याचं आश्वासन सन्माननीय आयुक्त साहेबांनी उपायुक्त जलद शर्मा साहेबांनी नागपूर सिटिझन फोरमला आज दिलेलं आहे. नागपूरच्या जनतेला कोणतेही प्रश्न असतील एक्सेसिव्ह बिलांचे प्रश्न असतील हॉस्पिटलवाले ॲडव्हान्स न घेता ॲडमिशन देत नसतील गव्हर्नमेंटचे रूल क्लिअर आहे तुम्हाला ॲडमिशन घेताना पैसे कंपल्सरी देणं नाही कोणी घेत असेल तर त्याच्यावरती सक्त कारवाई करण्याचं आश्वासन सन्माननीय आयुक्त साहेबांनी दिलेलं आहे. नागपूरच्या जनतेला अशा प्रकारचे कोणतेही असेल पीपी किटमध्ये एक्सेसिव्ह पैसे घेत असतील 600 रुपयाच्या वरती बिलांमध्ये एक्सेसिव्ह पैसे घेत असतील ॲडमिशनच्या वेळेस पैसे मागत असतील कोणत्याही प्रकारचे प्रॉब्लेम असेल तुम्ही नागपूर सिटिझन फोरमला सांगा आयुक्त साहेब प्रशासन ने आपल्याला ग्वाही दिलेली आहे 7 दिवसांच्या आत कारवाई करेल किंवा आपण आंदोलन सन्माननीय संविधानाच्या कक्षेमध्ये राहून तीव्र करण्यात येईल हे आपण नागपूरच्या जनतेसाठी नागपूर सिटिझन फोरमद्वारे आम्ही तुम्हाला ग्वाही देतो आहे. नंबर एक आणि नंबर दुसरं NMC चे जे 5 हॉस्पिटल आहे आणि IGMC आणि GMC आहे याच्यामध्ये क्वालिटी सर्व्हिस देण्यात येते आहे त्याचा लाभ सर्व जनतेने घ्यावा त्यानंतर प्रिफरन्स आपल्या प्रायव्हेट हॉस्पिटलला द्यावा याबद्दल सुद्धा सन्माननीय आयुक्त साहेबांनी आपल्याला आश्वासन दिलेलं आहे. प्रशासनाकडून आम्ही प्रामाणिक पारदर्शी 80-20 हॉस्पिटल अवेलेबिलिटी असण्याचं आश्वासन पुढील 7 दिवसात पूर्णपणे होईल आणि सक्त कारवाई जे लोक डिस्क्रिपन्सीजमध्ये जास्त पैसे घेऊन करत आहेत त्याच्यावरती प्रशासन करेल ही आम्हाला आश्वासन आज साहेबांनी दिलेलं आहे. आम्ही पॉझिटिव्ह आहोत. नागपूरच्या जनता नागपूर सिटिझन फोर